चलो ध्यान से सुनो, अब एक बात ध्यान से सुनो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इस बात का मतलब क्या हो बेटा? इस बात का मतलब बहुत सिंपल सा हुआ क्या, कि अगर अगर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया और इन दोनों की रिएक्शन के बाद अगर मैंने वाटर बनाया, तो अगर मैंने 1 ग्राम ऑक्सीजन लिया, 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो वाटर कितना बनेगा? 9 ग्राम। क्यों? क्योंकि मेरा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पर मेरा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना होगा? मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉजिक क्या है? मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 8, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना हो गया? 9। तो इस हिसाब से टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होना चाहिए? तो हमने कहा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट शुड बी कितना? मास ऑफ वाटर, और मास ऑफ वाटर कितना होगा अगेन? 9। इज दैट क्लियर? इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, five grams of sodium reacts with 12 grams of water to form 10 grams of sodium hydroxide and hydrogen gas. Calculate the mass of hydrogen gas produced. इसको सॉल्व करने का स्टेप वन क्या होगा? इसको सॉल्व करने का स्टेप वन होगा क्या? इसकी रिएक्शन क्या होगा? इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे? सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है ना? अब सबके मासेस लिख देंगे। सोडियम कितना था? 5 ग्राम्स। वाटर कितना था? 12 ग्राम्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना बना? 10 ग्राम। हाइड्रोजन क्या करना है? निकालना है। ओके, ठीक है, ये रिएक्शन लिखी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ reactants कितना होगा? mass of sodium plus mass of water. mass of sodium कितना है? 5 grams. mass of water कितना है? 12 grams. तो total mass of reactants कितना हुआ? 17 grams. फिर हम लोग बोलेंगे Let the mass of hydrogen produced be X. Let the mass of hydrogen produced be X. ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन का मास हम लोगों ने कितना लिया? X, तो हम लोग बोलेंगे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होगा? मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड,
mass of sodium hydroxide plus mass of hydrogen. आई बात समझ में? तो मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है? 10. मास ऑफ हाइड्रोजन कितना लिया है हम लोगों ने? x. फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. दिस शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. दैट इज 17 शुड बी इक्वल टू 10 प्लस x. 17 शुड बी इक्वल टू 10 plus x, therefore x is equals to 17 minus 10 grams. That comes to how much? 7 grams. That comes to how much? 7 grams. If 12 gram of carbon reacts with 12 grams of carbon reacts with, galaxy वाला है,